Hi everyone, welcome to the lecture on linear algebra. In this lecture, we are going to discuss example of subspace. So here example is prove that the intersection of two subspace of a vector space is a subspace. तो हमें show करके दिखाना है कि intersection of subspace is again subspace. अब ये prove करने के लिए हम क्या use करेंगे? We are use the corollary जो हमने last class में study किए थे. तो subspace, what is a subspace, theorem of subspace and corollary, वो हमने previous classes में study कर लिया है. If you want to watch that video, then link is given in the description box. Also at the end of this video, you can find the link. And if you are the new on my channel, then must subscribe to the channel and click on the bell icon so that you will get a notification of my next video. And share this video with your friends so that they will also get the benefit of this videos. So let's see how to prove this example. So here, सबस्पेस हमने स्टडी कर लिया था, तो उसमें कॉरिलरी क्या कहती है कि अगर आपके पास में नॉन एम्प्टी सबसेट यू ऑफ वी है, नॉन एम्प्टी होना मस्ट है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट यू ऑफ वी इज कॉल्ड अ सबस्पेस. बट वेन इफ एंड ओनली अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू कैपिटल यू. तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ यू अगर ये अगेन यू के अंदर बिलोंग करता है तो वी कैन से यू इज ए सबस्पेस. और ये इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है, अगर ये होल्ड हो गया तो वो सबस्पेस बनेगा, अगर सबस्पेस है तो ये कंडीशन होल्ड करता है. और ये फॉर ऑल द एलिमेंट यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल यू एंड ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड होता है. तो इसी कॉरिलरी की हेल्प से हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी. तो देखो इस थ्योरम के अंदर इंटरसेक्शन को सबस्पेस प्रूव करना है, तो पहले तो हमारे पास में क्या होने चाहिए, दो सबस्पेस होने चाहिए. तो फॉर द प्रूफ आई विल कंसीडर हियर इन अ प्रूफ, लेट अस सपोज दैट यू एंड डब्ल्यू आर टू सबस्पेसेस सबस्पेसेस ऑफ वी. अगर ये सबस्पेसेस हैं तो सबस्पेस में क्या होता है, वो खुद वेक्टर स्पेस होता है. और वेक्टर स्पेस के अंदर पहला ही कंडीशन है वी वन, जिसके अंदर हमने कहा था कि वी प्लस क्या होना चाहिए, इट इज ए एबिलियन ग्रुप. और एबिलियन मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो, जो कि क्या होता है, यूनिक एलिमेंट इन अ वी. तो आइडेंटिटी कभी दो नहीं रहती हो, तो यूनिक होती है. तो वी के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगा. और अगर ये दोनों इसके सबस्पेस है तो ये भी खुद वेक्टर स्पेस होंगे, तो उनमें भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा. और क्योंकि हम सेम ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में ये करते हैं तो ऑब्वियसली इन तीनों का आइडेंटिटी क्या होगा, सेम होगा. और वो आइडेंटिटी उन तीनों में भी होगा, दैट्स व्हाई दे आर द सबस्पेसेस. सो इफ इट इज ए सबस्पेसेस दैट मीन्स इटसेल्फ यू एंड वी आर द वेक्टर स्पेसेस. तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो इज बिलोंग्स टू यू as well as it is belongs to W. And if it is an element of U and W, so obviously it is also belongs to their intersection, U intersection W. So agar ye intersection mein belong kar rahe hai, to we can say intersection of two sets U intersection W is a non-empty. तो ये जीरो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसके हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरसेक्शन है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी. तो देयरफॉर यू गेट यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज नॉन एम्प्टी. ना क्या, इफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज नॉन एम्प्टी और यू और डब्ल्यू अगर किसी के सबस्पेस है वी के, तो वो किसके सबसेट होंगे, वी के. तो यहाँ पे यू इज ए सबसेट ऑफ वी, डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ वी, तो ऑब्वियसली उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सबसेट ऑफ वी. तो हम यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज ए नॉन एम्प्टी और ये कैसा है, सबसेट सबसेट ऑफ वी. तो ये जो पहला कंडीशन था यहाँ पे कि सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, तो ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर रहा है कि इंटरसेक्शन इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी. अब जीरो के सिवा भी उसमें कुछ एलिमेंट बिलोंग कर सकते हैं. तो लेट सपोज दैट कि अगर हम इसमें लेट वी टेक स्मॉल यू एंड वी एज ए एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू दैट इंटरसेक्शन. अगर सिर्फ जीरो है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस. बट जीरो के सिवा अगर एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो हाउ टू प्रूव द सबस्पेस, तो इसके लिए हम कंसिडर करें कि लेट सपोज यू एंड वी बिलोंग्स टू दैट इंटरसेक्शन. अब अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली इट इज ए एलिमेंट ऑफ यू एंड एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू. सो हियर यू कॉमा वी इज बिलोंग्स टू यू एंड यू कॉमा वी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू. अगर ये यू का एलिमेंट है
तो यू इट सेल्फ सबस्पेस है, और सबस्पेस की कंडीशन क्या है, इफ इट इज अ सबस्पेस देन लीनियर कॉम्बिनेशन इज बिलोंग्स टू यू. तो बाय कॉरोलरी वी कैन से अल्फा यू प्लस बीटा वी इज बिलोंग्स टू यू, और डब्ल्यू इज अगेन अ सबस्पेस. तो अगेन बाय कॉरोलरी इसमें भी क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग करेगा. तो अल्फा यू प्लस बीटा वी इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड इट इज फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द फील्ड एंड यू कॉमा वी बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, क्योंकि हमने ये एलिमेंट किसके लिए इंटरसेक्शन के. नाउ ये लीनियर कॉम्बिनेशन यू के अंदर भी बिलोंग कर रहा है एज वेल एज डब्ल्यू के अंदर, दैट मीन्स इट इज अ एलिमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन. सो हियर अल्फा यू प्लस बीटा वी इज एलिमेंट ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू. तो ये इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा एंड इट इज होल्ड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड ऑल यू कॉमा वी बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू. तो देयरफॉर इफ दिस कंडीशन इज होल्ड तो वी कैन से दैट सेट इज अ सबस्पेस ऑफ वी. तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन क्या होगा फिर सबस्पेस. सो दिस इंप्लाय यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी. सो हिस वी गेट द प्रूफ. तो देयरफॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज सबस्पेस, हिस वी गेट द प्रूफ. तो हमने ये किस बेसिस पे सॉल्व किया है, with the help of this corollary. Similar example we will discuss in the next class. Thank you. Like, share, subscribe.